नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम हरजोत है और आप देख रहे हैं फॉर लव ऑफ गैजेट्स। इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं मिड रेंजर्स का मुकाबला। जी हाँ दोस्तों, हमारे पास है Vivo Z1X और Realme XT जो मिड रेंज में बहुत बढ़िया दावेदार है। इस वीडियो में हम चेक करेंगे किसकी परफॉर्मेंस बेहतरीन है, रैम मैनेजमेंट कौन अच्छी रखता है, ताकि आपको डिसीजन लेने में बहुत हेल्प हो, और फाइनली हम कंक्लूड करें कि इन दोनों फ़ोन में परफॉर्मेंस के लिहाज से बेहतरीन कौन है। हमारे पास लेफ्ट साइड पे है Vivo Z1X और राइट पे है Realme XT। आइए स्पेसिफिकेशंस पे नज़र डालते हैं। हमने दोनों फ़ोन 6GB वाले लिए हैं ताकि फेयर प्ले रहे। अगर हम प्रोसेसर और GPU की बात करें, वो दोनों में सेम है, स्नैपड्रैगन 712 और एड्रीनो 616। आइए कुछ और इंपॉर्टेंट चीज़ें चेक करते हैं, जैसे कि अपडेट का स्टेटस क्या है। जब भी हम स्पीड टेस्ट या रैम टेस्ट करते हैं, मेरा मानना है कि ऐप और फोन्स लेटेस्ट अपडेट्स पे हों। आप देख सकते हैं दोनों ही फ़ोन लेटेस्ट अपडेट पे हैं और दोनों ही सिमिलर वाईफाई कनेक्शन पे है। तो चलिए सभी ऐप्स को क्लोज करके इन्हें करते हैं रीबूट और देखते हैं कि रीबूट टेस्ट में कौन जीतता है। डिस्पाइट दोनों ही फोन सिमिलर प्रोसेसर के साथ आते हैं, लेकिन ऑप्टिमाइजेशन में इतना फर्क दिखा दोस्तों कि आप हैरान होंगे। कुछ हद तक मुझे रिजल्ट निराशाजनक भी लगे। मैं अभी फ़ोन का नाम नहीं लूँगा, लेकिन आप देखिएगा, मैं खुद सरप्राइज था कि ये भी हो सकता था इस फ़ोन में। बहरहाल दोनों ही फ़ोन टर्न ऑफ हो चुके हैं। वेट करते हैं इनके बूटअप होने का और देखते हैं कौन जीतेगा। कमेंट करके बताइए कि आपको क्या लगता है कि दोनों में से कौन पहले बूटअप होने वाला है। आप देख सकते हैं कि ब्लैक्स कितने डीप हैं कि वो बॉर्डर के साथ जेल हो जा रहे हैं। ये है जादू एमोलेड डिस्प्ले का या फिर एमोलेड टेक्नोलॉजी का। कमेंट करके बताइए कि रीबूट टेस्ट कौन जीतेगा। क्या लगता है आपको, Realme XT या फिर Vivo Z1X? इसी के साथ Realme XT ये राउंड जीता। हालांकि फर्क ज्यादा नहीं था, बट अ विन इज अ विन, चाहे वो एक सेकेंड हो या मिलीसेकंड्स। Realme XT में आपको मिलती है 3.80 की फ्री रैम, और इसी चीज को Z1X में चेक करने के लिए आपको जाना पड़ता है सेटिंग्स में। हम देखते हैं कि इसमें कितनी है। इसमें आपको मिलती है 4.27, जो कि काबिले तारीफ है। मेरा मानना है कि रैम मैनेजमेंट Vivo Z1X ही क्लिंच करेगा। आप क्या कहते हैं, Realme XT या Vivo Z1X? करिए कमेंट। हमारे पास कुल 15 ऐप्स हैं, फॉलोड बाय Antutu बेंचमार्क। चलिए तो शुरू करते हैं। Realme XT ने बहुत अच्छी लीड बना ली है, लेकिन आइए चलते हैं कुछ गेम्स ओपन करते हैं, देखते हैं कि क्या ये ट्रेंड ऐसा ही रहेगा। यहाँ पे Vivo Z1X बाजी मारता हुआ, सबवे सर्फर पहले Vivo Z1X पे ओपन हुई। कुछ और गेम्स भी ओपन करेंगे, जैसे Real Race 3 और PUBG। देखते हैं कि यहाँ पे क्या ट्रेंड रहता है। Vivo Z1X फिलहाल Realme XT से आगे, और देखते हैं कि गेम किस पे पहले ओपन होगी। यहाँ पे Vivo Z1X ने फिर से बाजी मारी, तो स्कोरिंग फिर कम हो रही है, एज इन गैप कम हो रहा है, और Vivo Z1X इस वक्त 5 पॉइंट्स और Realme XT 6 पॉइंट्स पे लीड कर रहा है। लेकिन
अब बारी है पबजी की। हो सकता है यहाँ पे वीवो वीवन एक्स स्कोर को टाई कर ले एज इन 6-all, बट यू नेवर नो। लेकिन वंस अगेन रियलमी एक्स ने पबजी में लीड ले ली और स्कोरिंग 7 रियलमी एक्स टी, 5 वीवो वीवन एक्स। बावजूद इसके कि हमारे पास एक ऐप अभी भी ओपन करने के लिए है, रियलमी एक्स टी ने स्पीड टेस्ट राउंड जीत लिया है जी दोस्तों। आइए चेक करते हैं लास्ट ऐप, शायद वीवो वीवन एक्स स्कोरिंग थोड़ी इंप्रूव कर पाए। जी हाँ दोस्तों, फाइनल स्कोर रियलमी एक्स टी 7, वीवो वीवन एक्स 6, विनर रियलमी एक्स टी। रैम मैनेजमेंट टेस्ट हमने स्टार्ट कर दिया है, पबजी मेमोरी में थी। आइए चलते हैं रियल रेसिंग 3 की तरफ। आप देख सकते हैं कि वीवो वीवन एक्स में ये मेमोरी में थी, लेकिन रियलमी एक्स टी में कुछ इशू आता हुआ, गेम लोड ही नहीं हो रही। चेक करते हैं थोड़ी देर रुक के क्या इशू है, क्या गेम लोड हो पाएगी या फिर हमें होम स्क्रीन पे ले जाया जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि कुछ इशू आया, मैंने फिर से ऑन किया स्क्रीन टिल्ट होती हुई, लेकिन रियल रेसिंग 3 लोड नहीं हुई। फाइनली ये रीलोड हो रही है। आई एम नॉट श्योर क्या आपके फ़ोन में भी कुछ ऐसा इशू आया है। अगर आप रियलमी एक्स टी यूज़ कर रहे हैं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चलते हैं बाकी ऐप्स की तरफ और देखते हैं कि उनका क्या स्टेटस है। फिलहाल दोनों ही डिवाइसेस एक दूसरे को कड़ी टक्कर देते हुए सभी ऐप्स ओपन हुई एक्सेप्ट रियल रेसिंग 3 और रियल मी एक्स टी, और जो स्कोरिंग है वो भी लगभग सिमिलर चल रही थी। लेकिन फिलहाल रियल मी एक्स टी पिछड़ता हुआ, वीवो वीवन एक्स ने लीड ले ली है 3 ऐप से। जी हाँ दोस्तों, 11-8 का स्कोर हो गया है, वीवो वीवन एक्स 11, रियल मी एक्स टी 8। यहाँ पे यूट्यूब रीलोड होता हुआ, फाइनली प्ले स्टोर देखते हैं, प्ले स्टोर मेमोरी में था। इसी के साथ Vivo Z1X ने बहुत अच्छे मार्जिन से जीत दर्ज कराई। सो फार आप देख सकते हैं Realme XT पे फिर भी Real Racing 3 नहीं ओपन हो रही। मुझे नहीं पता क्या रीजन हो सकता है, ऐप अपडेटेड है। आप देख सकते हैं कि दोबारा रीलोड हो जा रही है, लेकिन जब आप रिकॉल करते हैं तब इशू आ रहा है। आप भी मुझे कमेंट करके बताइएगा कि अगर आपके पास Realme XT है तो क्या आप इस तरीके की प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। फाइनली चेक करते हैं एंड टू बेंचमार्क स्कोर्स को और वीडियो को कंक्लूड करते हैं। आप देख सकते हैं कि ये हमारे प्रीवियस स्कोर्स हैं जिसमें Vivo Z1X हायर स्कोर करता हुआ। देखते हैं इस बार कैसे रिजल्ट आते हैं। तो आप देख सकते हैं कि इस वक्त Vivo Z1X ने Realme XT से लीड बना रखी है। डिफरेंस ज्यादा नहीं है, बट लीड है जैसे हमने पहले बोला। तो मेरा गैस है कि इसको भी Vivo Z1X ही जीतने वाला है। कमेंट करके बताइए आपको क्या लगता है कि क्या Realme XT से कैचअप करके बीट कर पाएगा Vivo Z1X को। Vivo Z1X लीड मेंटेन करता हुआ, जहां पे QR कोड टेस्ट Vivo Z1X पे खत्म हो रहा है, वहीं पे Realme XT पे ये स्टार्ट हुआ है। तो आप देख सकते हैं कि लीड ओवर द पीरियड ऑफ टाइम Vivo Z1X ने इंक्रीज ही करी है। बहरहाल देखते हैं आगे क्या स्कोरिंग निकल के आती है। दोनों ही डिवाइसेस 99% पे आ चुके हैं, देखते हैं कि कौन जीता है। और इसी के साथ Vivo Z1X N22 Benchmark Score ऐप पहले कंप्लीट करता है। आप देख सकते हैं कि जो स्कोरिंग आई है वो है 233,156 Vivo Z1X पे और Realme XT पे 222,605। इनफैक्ट अगर आप टेम्परेचर भी देखें तो वो आपको Vivo Z1X पे कम है और Realme XT पे ज़्यादा दिखा रहा है, तो ये एक अच्छी बात है। इसी के साथ हमारा N22 Benchmark टेस्ट भी कंप्लीट होता है फ्रेंड्स। जस्ट फॉर क्यूरियोसिटी मैं एक बार रियल रेसिंग 3 फिर से ऑन करता हूँ रियलमी एक्स टी पे, लेकिन जैसे कि आप देख सकते हैं कि आज रियलमी एक्स टी का मन ही नहीं है कि आपको वो रियल रेसिंग 3 ऐप के दर्शन कराए।
सो फ्रेंड्स, दोनों ही फोन बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं। चार रियलमी एक्स टी रीबूट और ऐप ओपनिंग में फास्ट है, वहीं वीवो Z1X ऐप मैनेजमेंट में और एंटूटू स्कोर थर्मल मैनेजमेंट में बहुत अच्छा था। कोई भी डिवाइस लीजिए, आप निराश नहीं होंगे। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। मेरा नाम हरजोत है, आप देख रहे थे फॉर लव ऑफ गैजेट्स। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को हिट कीजिएगा फॉर ऑल। कोई भी क्वेश्चन हो तो जरूर पूछिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर भी कीजिएगा। धन्यवाद, जय हिंद एंड हैप्पी रिपब्लिक डे।